लॉकडाउन के बाद जब से सिनेमा हॉल्स खुले हैं तब से तीन फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा है अक्षय कुमार एंड रोहित शेट्टी सूर्यवंशी एमसीयू स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और साउथ इंडियन सिनेमा की तेलुगु फिल्म पुष्पा ने एंड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इवन विद नॉट मच प्रमोशन हाउ पुष्पा मैनेज टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस तो फर्स्ट लेट्स चेक द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ पुष्पा द राइस द फिल्म इज मेड ऑन द बजट ऑफ अराउंड 150 करोड़ The Indian -aid collections of the film are 261 crores, and the worldwide collections of Pushpa the Rise are 343 crores. And the most exciting part about these collections is that the Hindi version of the film managed to collect around 85 crores. And these numbers simply suggest that a movie is a blockbuster. The first reason I feel for Pushpa the Rise to do well at the box office is that the Indian films, most Hindi movies. मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करके बनाई जा रही हैं और पुष्पा एक कंप्लीट मास्ट एंटरटेनर है विद लॉट्स ऑफ एक्शन फाइट सीक्वेंसेस कैची वन लाइनर्स एटसेट्रा और इंडियन ऑडियंस ज्यादातर सिनेमा हॉल्स में इसी तरह की फिल्म देखना पसंद करती है विद कंटेंट ड्रिवन डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड नॉट मच सिंगल स्क्रीन टारगेटेड मूवीज बी प्रोड्यूस डीज डेज पुष्पा विद इट्स रिलीज फिल्स द ऑफ अ मास एंटरटेनर द सेकेंड रीजन कुड बी द स्टारडम ऑफ अलू अर्जुन उनकी स्टाइल को सिर्फ तेलुगु फिल्म में नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडियन सिनेमा में पसंद किया जाता है एंड रिसेंटली ही हैज डेवलप्ड अ सर्टेन फैन फॉलोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल द रीजन कुड बी डेड हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ मेनी साउथ इंडियन फिल्म आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड दीज पिक्चर्स आर स्क्रीन ऑन वेरियस टेलीविजन चैनल एज वेल बट यहां आप कह सकते हैं कि रणवीर सिंह तो अलू अर्जुन से भी बड़े स्टार हैं तब भी उनकी फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है तो 83 के फ्लॉप होने के और भी रीजंस हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आजकल बॉलीवुड स्टार्स की थोड़ी लाइकिंग भी कम हो गई है आफ्टर अ फ्यू इंसिडेंट्स हैपेंड इन बॉलीवुड इन द लास्ट कपल ऑफ इस और वहीं साउथ इंडिया में तो फिल्म स्टार्स को वैसे ही डेमे माना जाता है और इस टाइम अलू अर्जुन का पीक पर होना डेफिनेटली हेल्प द कलेक्शन ऑफ पुष्पा द राइस द थर्ड रीजन इज दैट पुष्पा द राइस इज अ वेल मेड फिल्म

और कन्नड़ सिनेमा की के को ऑल ओवर इंडिया बहुत पसंद किया गया था एंड डिड वेल कमर्शियली टू इंडियन सिनेमा की जी एफ पार्ट टू रिलीजिंग एनी टाइम सोन इन दाइनटीज ऑल्सो साउथ इंडियन फिल्म लव्ड बाई पैन इंडिया ऑडियंस लाइक रोजा दलपति पति हमसे मुकाबला बॉम्बे डिड वेल कमर्शियली टू But suddenly the liking for these films was declined. But in the last five years, the love for South Indian cinema has become strong again. Fifth or last reason thoda obvious hai, that not much films were released since the COVID breakout. And when there was a dip in the active cases, the cinema halls were opened again. And people rushed to the theaters to watch these movies. And with not much options of good films being released in this period, people responded to Pushpa strongly and liked the film. आई वॉन्ट टू कंक्लूड पुष्पा जैसी एंटरटेनर्स का क्रेज कभी कभी कम हो जाता है बट खत्म कभी नहीं होता लाइक like जब एक्शन मूवीज के बाद रोमांटिक कॉमेडीज और फैमिली एंटरटेनर्स ने ओवरटेक कर लिया था एंड द प्रोड्यूसर्स वोट कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इन दीज एक्शन मूवीज एनी मोर देन वॉन्टेडेड द्रेंड ऑफ एक्शन मूवीज अगेन एंड टूडे द ऑडियंस फॉर दीस मसाला एंटरटेनर्स इज इंक्रीजिंग With South Indian features like Pahubali, KGF, and Pushpa. So that is all for today. If you video this video, please press the like button below and share your experience of watching Pushpa in the comments section below. And please subscribe to the channel for supporting us as well. Thanks for watching and take care.